अस्सलाम हेलो, वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल UF रिएक्शन। दिस इज उसामा, दिस इज मारिया, दिस इज उमर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बार फिर से एक मजा किस्म का टॉपिक लेके और वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो बड़ा मजा आने वाला गाइस, क्योंकि आज हम देखने के लिए जा रहे थे लेजेंड ऑफ हनुमान। तो बहुत मजा आने वाला, क्योंकि काफी देर से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, हमें काफी देर से लोग सजेस्ट कर रहे थे कि यार आप लाजमी इसमें करें, चाहे इसके सीन्स पे करें, चाहे इसके मतलब टॉपिक्स पे, किसी पे भी मतलब वीडियोस वगैरह इसके रिलेटेड बनाएं और इसके बारे में डिस्कशंस करें। बिल्कुल, तो द लेजेंड ऑफ हनुमान बेस्ट सीन्स हैं कुछ, और ये हम आज फर्स्ट टाइम देखेंगे इनकी स्टोरी के बारे में। और क्या दिखाते हैं कुछ पता नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि मतलब हिस्ट्री का भी कुछ, तो फर्स्ट टाइम वीडियो करने लगे हैं और देखते हैं कि वीडियो जो है वो क्या होता है, इसमें क्या दिखाते हैं, बहुत क्या करते हैं रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल, रिक्वेस्ट भी आ रही थी और फाइनली आज हम इसको देखते हैं। पहले देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस, हेवी गो। पहले आप बड़े भैया। हाँ, पहले मैं। उसके पिता और कौन? बिन बुलाया वादा पूरा करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। ब्रह्मास्त्र जो है वो उस पर मूवी भी आई थी, हमने उस पर भी देखा था, कुछ पावर्स दिखाते हैं। अचानक ऐसा तूफान उठे कभी ना देखा, कौन कर रहा है ये? एक देव। 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 ये भी उसके अंदर जिक्र हुआ था। हाँ। मूवी के अंदर ले आओ मेरे अस्त्र, अस्त्र विराट से विराट, और फिर उनका एकमात्र सम्राट। अद्भुत, तो ये है लंका। मिल गई देवी सीता। कैसे? कोई है हमारे बीच। क्या अंधेरे में क्यों छुपे हो? सामने आओ, अगली बार एक ऐसी जगह छुपना जहां से दिखाई न दो। मैं यहां छुपने नहीं, एक सलाह देने आया था महाराज। पहचान मेरी और परछाई मेरे भाई की। मेरी सीता को ला दो। भोजन आपके लिए। राजकुमारी सीता कहाँ है? ऐसा है कि उसने आने से इनकार। ऐसा नजारा देखने के लिए 100 जन भी कम है। है अचूक। जिसका निश्चय। मेरी बात तुम समझी नहीं, तो की सभा में मात्र एक युवक ने असंभव को संभव कर दिखाया। श्री राम वहां पहुंचे और अपने एक स्पर्श से अहल्या को फिर से जीवित करके उसे मुक्त कर दिया। तू?
ओके ओके जी, फर्स्ट टाइम हमने जो है वो रिएक्शन किया इस पे, और इससे पहले इसमें जो फिर हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था, ब्रह्मास्त्रा का जिक्र हुआ हाँ, और उससे हमें ब्रह्मास्त्रा मूवी याद आ गई कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जो मूवी अभी रिसेंटली आई है, बड़ा बिजनेस भी उसने किया है, बड़े लोगों ने उसको बड़ा पसंद भी किया है, और पार्ट उसमें वन उसका भी। पार्ट वन बिल्कुल, वो भी जब हमने मूवी था हमने भी वो मूवी जब देखी तो हमें स्टोरी का नहीं पता था, और ये उससे कनेक्टेड लग रही है मुझे, मतलब बहुत ज्यादा लग रही है मुझे तो। मतलब ये एक एनिमेटेड मूवी लग रही है मुझे, और लेकिन ये है कि इसमें भी स्टोरी वही है, मतलब सेम वो देव और ब्रह्मास्त्र का जिक्र, फिर वो अस्त्र का जिक्र और वो पावर्स, और वो सेम वही चीज लगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये वही मुझे कुछ लग रहा है। अब मुझे ये पता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मूवी जो है वो भी यही स्टोरी पे बनी हुई है, ये एक अलग मूवी है और वो एक अलग है। बिल्कुल उमर भाई, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये हो सकता है कि शायद जिस तरह भी उसका पार्ट वन आया है, पार्ट टू में शायद हमें हनुमान जी भी देखने के लिए हाँ। मिलेंगे, क्योंकि शायद इसके साथ कनेक्ट करेंगे इस चीज को, पता कुछ नहीं। तो होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने ये मूवी देखी थी ना, मूवी बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने मूवी देखी थी, क्योंकि इसमें हनुमान का जिक्र है और मूवी ब्रह्मास्त्र में हनुमान का जिक्र नहीं है, बिल्कुल उसमें सिर्फ देव का जिक्र है और वो ब्रह्मास्त्र का जिक्र है, वो अस्त्र का जिक्र है कि वो चार फोर पीसेज होते हैं, उसमें शाहरुख खान के पास एक होता है, एक नागार्जुन के पास होता है, और इसी तरह मतलब एक अमिताभ बच्चन के पास होता है, हाँ। तो मतलब ये कुछ वैसी मुझे लग रही है। अब ये आप हमें बताइएगा कि ये वही है क्या स्टोरी, क्योंकि हमें तो बिल्कुल सेम वही चीज लगी है, सिर्फ हनुमान उस मूवी में नहीं है, और मतलब ये मतलब उम्र पे मुझे ये लगता है कि रिलेटेड होगी कुछ चीज, कुछ होगा, करेंगे शायद पार्ट टू में करें या थ्री में, हाँ, करें हाँ, क्योंकि अभी मूवी का भी पार्ट टू आना है, पार्ट टू आना है, क्योंकि वो भी अभी सस्पेंस है उसमें, क्योंकि वो राम भी बीच में कह रहे होते हैं कि हनुमान को कि मेरी सीता मुझे ला दे, हाँ मतलब वो भी एक स्टोरी आ जाती है बीच में, वो राम और सीता की, फिर एक वो बादशाह की स्टोरी बीच में आ जाती है कि वो एक महाराजा खाते हैं, और अब ये सब वो मुझे वही चीज लग रही है, वही उसी से कनेक्टेड लग रही है, अभी हमने पूरी की स्टोरी देखी नहीं इसलिए हमें हाँ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो भी है, लेकिन मुझे स्टोरी बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी है, क्योंकि अभी हमें समझ आई है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो है वो हमने जब मूवी देखी हमें भी तब पता चले कि ब्रह्मास्त्र क्या है, मतलब वो पावर्स क्या है, मतलब किस बारे में, हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था। अब ये जो ये वाली जो है द लेजेंड ऑफ हनुमान, ये भी उसी से रिलेटेड मुझे लग रही है कुछ, तो आप हमें बताइएगा कि वही है क्या। तो अगर आप मजीद कोई रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हमें सजेस्ट लाजमी की, और अगर आपके जहन में इसी के रिलेटेड कोई ऐसी वीडियो है तो आप उसका लिंक वगैरह हमें शेयर कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड जो भी मतलब है, क्योंकि हम लोग इस पे वीडियो फिर मजीद बनाएं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, मिलते हैं वीडियो में एक रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।